एंट्री हैवलॉक डोगरा जो स्पेस है वहाँ भी इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ का भी इंटरनेट पहले यार उनकी सपोर्ट पे होगी सब कम्युनिकेशन पहले आईडेंटिटी पोर्ट पे आता था पूरी सटैक के माध्यम से पोर्ट पे सेवा सटैक के माध्यम से कर रखता होगा बाहर जा रखता होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट गेटवे चाहिए, उसके कनेक्टिविटी जो है यहाँ से चलते करते चलो कलकत्ता और कलकत्ता से रियल रूप से हम लोग भेज देते चेन्नई, चेन्नई में जाके वहाँ इंटरनेट गेटवे है जो कनेक्ट करता है सामग्री के कुछ टायरमान के साथ, उसके बाद वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में जुड़ता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी मतलब समझिए ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, टेलीफोन में कभी लोकल कनेक्टिविटी भी हो जाता है आप यहाँ से यहाँ बात कर लोकल कनेक्शन से, लेकिन जितने हम लोग इंटरनेट सर्व करते हैं इसके मतलब जो आपका इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ लिंक होता है। जब भी आप www करेंगे कहीं आप कोई आप डोमेन नेम टाइप करेंगे तो उसका ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो डोमेन है वो रूट डोमेन है वहाँ से होगा और उसका जगह रूट डोमेन का जगह मोस्टली यूएसए में है और उसका मिरर डोमेन कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया में है कहीं हो सकता है जापान देश है या यूरोप में है, अदरवाइज मेनली 80% डोमेन जो है वो यूएसए में अभी दूसरे तरफ हो। लेकिन इंटरनेट जैसे ही हम लोग करते हैं उसको ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी उसको इंटरनेशनल होना होता है, इसके लिए इंटरनेशनल बैन भी नहीं चाहिए और इंटरनेशनल बैन समुद्र में बहुत सारे सामग्री को ले किया होता है हो सकता है टोटल के लाखों किलोमीटर होगा मैंने पता के जाल जैसे फैल हुआ है बहुत सारे अब उसके माध्यम से बैन देते हैं अब वो बैन का कनेक्टिविटी में भी हमारे यहाँ है इसलिए हमारे एक तो चेन्नई में है और एक दूसरा है मुंबई, उसके अलावा मेरे ख्याल से खास जहाँ नहीं और एक और हम लोगों ने रिसेंटली हमारे देश में दिया है वो है कुक्स बाजार है बांग्लादेश के नीचे कुक्स बाजार से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के ट्रैफिक से भूटान हो गया भूटान में भी ट्रैफिक कर सी जाता है और इसका भी ट्रैफिक कर सी जाता है